गौतम गंभीर ने विराट कोहली को दिखाया नीचा। टीम इंडिया के दुश्मन की जमकर की तारीफ। भारतीय फैंस को नहीं हो रहा बर्दाश्त। वर्ल्ड कप शुरू होने में अब 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है, लेकिन इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने एक बार फिर से विराट कोहली पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। गौतम गंभीर अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो क्रिकेट पर खुलकर अपनी बात रखते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। अब एक बार फिर से गौतम गंभीर चर्चाओं में हैं, क्योंकि उन्होंने विराट कोहली पर तो निशाना साधा ही है, साथ ही उन्होंने टीम इंडिया के दुश्मन की भी जमकर तारीफ की है, और ये बात भारतीय क्रिकेट फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। गंभीर ने कैसे साधा कोहली पर निशाना? गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच रिश्ते तल्ख हैं, ये तो सभी जानते हैं। सभी ने आईपीएल 2023 में देखा था कि कैसे बीच मैदान पर ये दोनों दिग्गज एक दूसरे से गहमा गहमी करते हुए दिखाई दिए थे। इससे पहले भी आईपीएल 2013 में जब गंभीर केकेआर के कप्तान थे, तब भी बीच मैदान पर दोनों के बीच लड़ाई देखने को मिली थी। ऐसे में गौतम गंभीर और विराट कोहली की दुश्मनी काफी पुरानी है। भले ही गौतम गंभीर ये कह चुके हों कि मेरा विराट कोहली के साथ कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन जब भी गौतम गंभीर के सामने विराट कोहली का जिक्र आता है तो गंभीर उन्हें नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। अब वर्ल्ड कप से ठीक पहले जब गौतम गंभीर से विराट कोहली और बाबर आजम को लेकर एक सवाल पूछा गया, तो गौतम गंभीर ने बाबर आजम की जमकर तारीफ करनी शुरू कर दी। गंभीर ने किंग कोहली को छोड़कर बाबर की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक भूचाल सा आ गया है। अगर आप भी विराट कोहली के फैन हो तो गौतम गंभीर का यह बयान आपको गहरी ठेस पहुंचा सकता है। दरअसल एक टीवी शो में गौतम गंभीर को विराट कोहली, रोहित शर्मा, जो रूट, स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और केन विलियम में से किसी एक खिलाड़ी को चुनने के लिए कहा गया, तो उन्होंने विराट कोहली को नहीं बल्कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को चुना। इतना ही नहीं, गौतम गंभीर ने बाबर आजम की तारीफ करते हुए कहा, बाबर आजम के पास बेस्ट बल्लेबाज बनने के सभी गुण हैं। उन्हें बल्लेबाजी करने के लिए काफी समय मिलता है। डेविड वार्नर, विराट कोहली, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ अच्छे खिलाड़ी जरूर हैं, लेकिन बाबर आजम की बल्लेबाजी में एक अलग ही क्लास है जो उन्हें इन सब दिग्गजों से अलग बनाती है। विराट कोहली दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों में से एक है। सचिन तेंदुलकर के बाद उनका नाम दूसरे नंबर पर आता है, जिन्होंने वर्ल्ड कप क्रिकेट में सचिन के बाद सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं। बाबर आजम अभी विराट कोहली के आसपास भी नहीं है। हालांकि बाबर आजम का सैंपल साइज काफी छोटा है, मगर बाबर को कोहली की बराबरी करने में काफी समय लगेगा। दुनिया का एक तबका विराट कोहली को बाबर आजम से बेहतर बल्लेबाज मानता है, लेकिन ये बात गंभीर को पसंद नहीं है। हालांकि ये उनकी निजी राय हो सकती है, मगर कई मौकों पर देखा गया है कि विराट की आलोचना करने में गौतम गंभीर कोई कोताही नहीं बरतते। जब विराट कोहली अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, तब पूरी दुनिया उन्हें सपोर्ट कर रही थी, लेकिन गौतम गंभीर अकेले ऐसे भारतीय थे जो उन्हें टीम से बाहर कर सूर्य कुमार यादव को नंबर 3 पर खिलाए जाने की मांग कर रहे थे। हालांकि अब गौतम गंभीर ने बाबर आजम को विराट कोहली से बेहतर बल्लेबाज बताया है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि वर्ल्ड कप 2023 में बाबर आजम ज्यादा रन बनाते हैं या फिर विराट कोहली। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सा बल्लेबाज बेहतर है? क्या विराट कोहली बाबर आजम से बेहतर हैं या फिर बाबर आजम विराट कोहली से बेहतर हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।